दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है मल्टी आईडीज इश्यू। दोस्तों कल से ये देखने को मिल रहा है कि सारे लोगों की आईडी जो है मल्टी हो रही है, चाहे वो ट्रीटास से रिलेटेड आईडीज बनाए हों, ट्रीटास से गिफ्ट लूटे हों, उनकी आईडी जो है मल्टी हो गई है। किसी पे गिफ्ट सेंड नहीं हो रहा है, किसी की आईडी ओपन ही नहीं हो रही है, ब्लॉक कर दी गई है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, किसके किसके साथ हो रहा है, क्या मेरे साथ भी हुआ, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और कल मैंने टेलीग्राम पे एक पोल रखा था और पोल में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर सिक्योरिटी पर्पज़ की बात की जाए तो आप किस एप्लीकेशन को ज़्यादा रेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन थे, जो कि था फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, जिसमें जो है इक्वल व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को वोट दिया गया है 44% एंड 12% जो है फेसबुक को लोगों ने बोला है। हालांकि मेरी राय मानी जाए तो टेलीग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। व्हाट्सएप की सिक्योरिटी तो कई बार जो है आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में भी थी और व्हाट्सएप बंद होने की कगार पे भी आ गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो है टेलीग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, मैसेजेस इसके और यहाँ पे जो है एंड टू एंड इनक्रिप्ट होते हैं इसके सारे मैसेजेस। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मल्टी आईडीज इशू के बारे में, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो भी YouTube पे चैनल्स हैं, चाहे मेरे चैनल हों या दूसरे चैनल हों, सुमित टेक हो या जो है मिस्टर टेक्स हो, किसी भी यूट्यूबर के चैनल हों, इस पे जो है ऑफिशियल्स की नज़र होती है। साथ ही साथ अभी ट्रीटास्क इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ऑफिशियल तक ये बात तो पहुँचेगी। और ट्रीटास्क से रिलेटेड जो भी फैमिलीज बना के लूट रहे थे, फेक आईडीज बना के लूट रहे थे, ऑफिशियल्स के कान में ये खबर ज़रूर पहुँची है और इस वजह से जो आईडी है वो ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से बहुत ही गलत चीज़ है। अगर हम लोग फ्री के गिफ्ट लूट रहे हैं, उस पर भी ये जो है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे हैं। अगर कोई अब्यूज़र आईडी बना रहा है, उसकी आईडी इनसे ब्लॉक नहीं हो रही है। अगर कोई जो है लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, 200-200 आईडी, 300-300 आईडी जो है ओपन करवा लेता है पैसे दे करके, उनकी आईडी ये ओपन कर लेते हैं। बस ये उन्हीं पे जो है उन्हीं की आईडी बैन करते हैं, जो कभी कुछ इलीगल नहीं करता, बस केवल आईडीज बना के अगर वो फ्री गिफ्ट ले रहा है, बस उनकी आईडीज इनको बैन करने का मतलब एक जो भूत है वो सवार है, तो ये आईडी जो है इसलिए बैन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि आखिर इसका सलूशन क्या है। तो दोस्तों सलूशन यही है कि आईडी जो भी बनाए एकदम थोड़ा रियल लगे, रियलिस्टिक उसका लुक हो, आप उस पर फ़ोटो लगा लें। कुछ दिन तक आप चाहे तो टैग ना लगाएं कोई भी, चाहे वो TR का टैग हो या कोई भी टैग हो, नहीं लगाएं। और उसके साथ साथ उस पर सॉन्ग भी पोस्ट कर दें, एक सॉन्ग कोई भी ऐसे ही पोस्ट कर दें। ये सारा कुछ आपको करना है, क्योंकि अभी जो है क्लोन ऐप से आईडी बनाने में आपका डिवाइस कैच नहीं हो रहा है, ये सब ऑफिशियल्स की करतूत है। उनको ये जो है वो देख देख के आईडी ब्लॉक कर रहे हैं कि कौन कौन जो है टैग लगा के आईडीज बना रहा है, कौन कौन जो है ट्रीटास्क के लिए आईडीज बना रहा है, कंट्री चेंज कर रहा है, वो इस हिसाब से आईडीज को ब्लॉक कर रहे हैं। बाकी इनसे कुछ नहीं हो पाता आज तक, ये किसी अब्यूज़र की आईडी ब्लॉक नहीं कर पाए। इतनी बड़ी बड़ी गैंग जो है इस पर स्टार मेकर पर चलती है, उनका ये कुछ नहीं उखाड़ पाए। बस ये जो है नॉर्मल यूज़र की आईडी बैन करने में लगी हुई हैं। तो ये कुछ भी कर लें, जब तक हम लोग आपके साथ में हैं, आप लोग लूट मचाओगे, ऐसे ही लूटोगे और फ्री गिफ्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और या तो ये स्टार मेकर पे आईडीज बनवाना ही बंद कर देंगे, और या तो सारे लोगों की आईडी को बैन करनी पड़ेगी। या तो ये ऐसा कर दें, भाई सबके साथ आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, जो आपको पैसे पे कर रहा है उसकी आप आईडीज ओपन करके दे रहे हो कि भाई ले जाओ रिचार्ज करो, और जो आपको पैसे नहीं पे कर रहा है उसकी आईडी जो है आप मल्टी इशू बता रहे हो, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। ऑफिसर्स को इस सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है यहाँ पे हमारे, चाहे चैनल से जुड़ी हो या स्टार मेकर पे हो, ज़्यादातर लोग जो है अभी स्टार मेकर का जो ट्रुथ है, फैक्ट है, नहीं जानते हैं। हम लोग ही जो है इवेंट के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, चाहे वो पेड इवेंट हो चाहे वो फ्री का इवेंट हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर आईडीज़ बैन कर रहे हैं तो सबकी आईडीज़ को बैन करिए, जो जो फालतू से आईडीज़ बना रहा है, जो जो अब्यूज़ कर रहा है, उनकी आईडी पे भी ब्रेक लगाइए। तो यहाँ पे कुछ यही था दोस्तों अपडेट, और मैंने सोचा कि शायद आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करना पड़े। और एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोग जल्दी से जो भी गिफ्ट आपको मिले यूज़ कर लें, क्योंकि पता नहीं कब आपकी आईडी जो है बैन हो जाए। इसलिए जो भी गिफ्ट आपको मिले, अगर आपकी आईडी बैन नहीं हुई तो जल्दी से यूज़ कर लें। दोस्तों बस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।